इसराइल की डिफेंस फोर्स IDF के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने दावा किया है कि हमास से जंग और ईरान से कशीदगी के पेशे नज़र इसराइल अगले साल तक सफाए हस्ती से मिट जाएगा। मेजर जनरल इज़हाक बर्ग ने मशरकी वस्ती की मौजूदा सूरतेहाल, हमास से जारी जंग और ईरान के साथ कशीदगी के हवाले से एक बयान में खबरदार किया है कि अगर हमास इसराइल मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खित्ते में जंग छिड़ती है तो इसराइल शदीद खतरे की जद में आ जाएगा। वजीर दिफा युआव गिलांत की गजा जंग के अहदाफ के हवाले से मुतादित बयानात ताहाल पूरे नहीं हो सके हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और इनके इत्तेहादियों को तब्दील ना किया गया तो इसराइल अगले एक साल में तबाह हो जाएगा। साबिक IDF अफसर का कहना था कि ईरान और हमास की इसराइल को खत्म करने की धमकियां खाली धमकियां नहीं हैं। हमास से जारी जंग और हिजबुल्ला के साथ कशीदगी के बायस इसराइल के लिए खतरात के हवाले से सुहैनी रियासत के वजीर दिफा युआव गिलानत भी अच्छी तरह बाखबर हैं। एक बयान में उनका कहना था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि युआव गिलानत को भी अंदाजा हो चुका है कि इसराइल जंग के मकासद हासिल करने में नाकाम हो चुका है और हम गजा की दलदल में फंस चुके हैं। हमास को कमजोर करने के बुनियादी मकसद के हुसूल का कोई मौका होने के बावजूद हम अपने फौजियों को खो रहे हैं। इससे कबल जुलाई में भी रिटायर्ड मेजर जनरल इज़हाक बर्ग ने गजा में इसराइली जारियत और हिजबुल्ला से तनाव पर अपने हथियार का इजहार करते हुए दावा किया था कि इसराइली फौज गजा की पट्टी में बुरी तरह नाकाम हो रही है और हिजबुल्ला से जंग की सूरत में इसराइल को स्ट्रेटेजिक नाकामी का सामना करना पड़ेगा और ये इसलिए होगा कि हालिया कुछ दिनों में इसराइल को पे दर पे फौजी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग एक साल होने के करीब है और इस दौरान फलस्तीन में 60,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी है।